मैहर की, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को चुनाव प्रचार अभियान के तहत सतना पहुंची। उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा के दरबार में हाजिरी लगाकर दर्शन पूजन किए। सिंधिया ने मैहर के घंटाघर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने मैहर नगर में रोड शो भी किया। इसके साथ ही महेश चौरसिया और दीपक अग्रवाल ने सिंधिया के हाथों बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की है। दीपक अग्रवाल ने कहा कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो देश के सर्वहारा वर्ग का सहारा है और सबका साथ सबका विकास की नीति पर बीजेपी काम कर रही है और यही उसके विकास के प्रतीक है। ऐसी पार्टी की सदस्यता लेते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। की बात करें जिस मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई केवल हुई थी 55 वर्षों में, उसी मध्य प्रदेश में आज 48 लाख हेक्टर भूमि सिंचित इस कमल के फूल के निशान ने और शिवराज सिंह चौहान ने करवाया है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ मेरे मैहर के क्षेत्र के लिए बरगी नहर के माध्यम से नर्मदा का जल यहाँ के एक एक टोटी में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे हम कहें सड़कों की बात, सतना से मैहर का बाईपास, श्वेता नगर से मानपुर होते हुए नक्तराका तक रिंग रोड की कार्य की स्वीकृति कमल के फूल के निशान और शिवराज सिंह चौहान ने आपको दिया है मेरे भाई और बहनों।